हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SYA एकेडमी। फ्रेंड्स, हम अपना डिस्कशन कंटिन्यू कर रहे हैं एंड ये थीम नंबर 15 है। इसका टॉपिक फर्स्ट है ये। तो दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, वो चीज़ें हम थोड़ी सी देखेंगे। सबसे पहले तो कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, अगर आप सिंपल हिंदी में देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन वो है कि जिस हिसाब से हमारी गवर्नमेंट वर्क करेगी, ठीक है, या हमारा कंट्री चलेगा। जब भी कभी हमें डाउट होगा दुनिया में कि क्या डिसीजन लेने हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन पे हम जाएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, राइट? तो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीज लिख दी गई है, वो आप कह सकते हो कि सोर्स ऑफ ट्रुथ है, फाइनल सोर्स ऑफ ट्रुथ, ठीक है। कुछ भी इसके ऊपर नहीं है, मेरा मतलब है कुछ भी, ठीक है। ये थ्योरी में बोल रहा हूँ, असली में तो यार क्या हो रहा है देश में वो छोड़े, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हमारा कुछ भी नहीं है। फिर हमारे दोस्तों लॉज बनते हैं, जो सरकारें बनाती है, पार्लियामेंट लॉज बनाता है। लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट, ठीक है। सेंटर में पार्लियामेंट और स्टेट्स में स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। तो लॉज जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें लिखी है उनसे नीचे हैं, ये बातें क्लियर रखना, राइट? और अगर आपके लॉ जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन की बातों के अगेंस्ट जाते हैं, तो कोर्ट के पास पावर होती है। कोर्ट कौन होते हैं? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है। लोअर कोर्ट तो जनरली इन सब मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करते। लोअर कोर्ट से मैंने कहा कि मेरा कहने का मतलब है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट्स वगैरह जो होते हैं, ये कभी और पॉलिटी में डिस्कस करेंगे अगर आपको नहीं आता। लेकिन अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं एक्सप्लेन वहीं कर दूंगा। बट कहने का पॉइंट ये है कि अगर आपके लॉज जो पार्लियामेंट बना रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें लिखी है उनसे नीचे है, उससे ऊपर है अगर, ठीक है। मतलब इसको ऐसे कर लो कि आपके लॉ कुछ ऐसा बना कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें लिखी है उनसे अलग जा रहे हैं या उससे एग्री नहीं कर रहे। अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि राइट टू इक्वालिटी ये फंडामेंटल राइट है, और आपका लॉ ऐसा बन रहा है कि राइट टू इक्वालिटी उससे हट रही है, छूट रही है, ठीक है, तो वो लॉ को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बोल सकते हैं कि ये लॉ गलत है, उसी दिन उस लॉ को खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। वैसे तो लॉ पार्लियामेंट ही नहीं बनाती, पार्लियामेंट में डिस्कशंस चल रहे होते हैं लोकसभा राज्यसभा में कि कोई भी लॉ जो है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें लिखी हैं उसके अगेंस्ट तो नहीं जा रहा। अगर जा रहा है तो वो लॉ बनाते ही नहीं, लेकिन अगर बना भी दिया तो वो लॉ को खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे काफी लॉज हैं, आप सर्च कर सकते हैं, मैं यहाँ पे कोई डिटेल नहीं दे रहा, लेकिन कोई आपको ये पॉइंट लेकिन क्लियर हो जाना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर कोई चीज नहीं है। आप कहोगे कि लॉ क्या है, लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाता है क्या, आपका ये भी डाउट हो सकता है, नहीं, ठीक है, लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा जाता, ठीक है। लॉ मतलब IPC हो गया, लॉ इंडियन पुलिस एक्ट, ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट, ऐसे बहुत सारे लॉज हैं, ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट, ये जो एक्ट होते हैं ना, एक्ट लॉ इसका मतलब सेम होता है। तो मैं इस पे भी एक वीडियो बना दूंगा, है होपफुली आपको ये चीजें क्लियर हो गई हो, अगर पॉलिटिकल साइंस में क्लियर नहीं हुई है। तो पॉइंट हमने ये समझ लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई भी चीज नहीं है। आप अगर कोई भी लॉ बनाओगे, कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दोगे कि ये चीजें ऐसी ही चलनी चाहिए, ठीक है, ये चीजें वैसी ही चलनी चाहिए, अगर वो चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रही है, तो उन्हें नल एंड वॉइड करके वहीं खत्म कर दिया जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ठीक है। आई होप आपको इंपॉर्टेंट समझ में आ गई होगी कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? उससे हमारा कंट्री चलता है, हमारी सरकारें उससे इंस्पिरेशन लेती हैं, ठीक है, उन चीजों को फॉलो किया जाता है, करेक्ट। तो पूरा भारत कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है, ठीक है, वो फाइनल सोर्स ऑफ ट्रुथ है, उससे ऊपर कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कोई भी लॉ नहीं, कोई भी एक्ट नहीं, कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं, या किसी ने कोई ऑर्डर पास कर दिया, प्रधानमंत्री ने भी कुछ बोल दिया, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री ने भी इवन कुछ बोल दिया और वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो उस बात को कट कर दिया जाएगा, नल एंड वॉइड, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रधानमंत्री ने बोल दिया कि मैं इमरजेंसी लगा रहा हूँ और वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो इमरजेंसी नहीं लग सकती। पॉइंट आप, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैं इस पर थोड़ा ज्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों को डाउट रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये टुमुल्टस टाइम क्या मतलब होता है यार, ये टुमुल्टस का कमेंट सेक्शन में लिखो, काफी इंग्लिश भी वैसे सुधर जाती है, लेकिन आप समझ पा रहे होगे वैसे इसका क्या मतलब है। तो ये दोस्तों, इमेजेस ऑफ डिसोलेशन एंड डिस्ट्रक्शन कंटिन्यू टू हॉन्ट मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये देखो, टूटा फूटा है, यहाँ पे हुए थे दंगे, आपको पता है,
और ये इसी पीरियड के अराउंड हुए थे, तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में देखेगा आपको कि काफी इसका इम्पैक्ट होगा। द इयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड बीन एक्सेप्शनली टुमल्टस। आई होप अब मीनिंग अगर क्लियर हो गया होगा। क्या लगता है आपको मीनिंग क्या है? बिना डिक्शनरी देखे एक बार ट्राई करिए कमेंट सेक्शन में लिखने का, ठीक है? हैड बीन ग्रेटली हैड बीन एक्सेप्शनली टुमल्टस द टाइम ऑफ ग्रेट होप बट ऑल्सो ऑफ एब्जेक्ट डिसअपॉइंटमेंट। तो एक होप थी कि हाँ हम देश में अपना ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, है ना, आजाद हो गए हैं, साथ साथ दुख था, बहुत ज्यादा दुख था, ठीक है। ऑन 15 अगस्त 1947 इंडिया हैड बीन मेड फ्री। तो भारत तो हमारा फ्री बन गया था, मतलब वो फीलिंग सोचिए आप, ठीक है, इतने सालों से हम आजाद नहीं थे और आजाद होना चाह रहे थे और अब आजाद हुए, तो फीलिंग सोचिए दोस्तों, बस वो ग्रेट फीलिंग होगी। बट इंडिया डिवाइड हो गया। फ्रेश इन पॉपुलर मेमोरी वर द क्विट इंडिया स्ट्रगल ऑफ 1942। याद होना चाहिए आपको दोस्तों, क्विट इंडिया मूवमेंट, डू और डाई का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। बट द मोस्ट वाइड स्प्रेड पॉपुलर मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश राज, ये सब लोगों के मामले। तो ये क्यों जिक्र हो रहा है इन बातों का, कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली में जब मेंबर्स बैठे हैं उनके उनके दिमाग में ये सब बातें फ्रेश है। एज वेल एज द बिड बाय सुभाष चंद्र बोस टू विन फ्रीडम थ्रू आर्म्ड स्ट्रगल विद फॉरेन एड। तो सुभाष चंद्र बोस का था मामला बिल्कुल क्लियर था कि हम अंग्रेजों को लड़ाई में हरा के फ्रीडम ले लेंगे, और सुभाष चंद्र बोस की ये पॉलिसी थी कि मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ, किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के लिए, भले ही मुझे हिटलर से हाथ हाथ शेक करना पड़े, या मुसोलिनी से करना पड़े, या स्टालिन से करना पड़े। स्टालिन, ये सब, स्टालिन कौन है? स्टालिन यूएसएसआर, ठीक है, मुसोलिनी इटली, हिटलर जर्मनी, किसी भी हद तक जाना पड़े मैं अंग्रेजों को आम स्ट्रगल में ही हरा दूंगा। ये सुभाष चंद्र बोस का नारा था, बड़ा एग्रेसिव था, ठीक है। एंड इवन मोर रिसेंट अपसर्ज हैड आल्सो इवोक्ड मच पॉपुलर सिंपैथी। दिस वाज द राइजिंग ऑफ द रेटिंग्स ऑफ द रॉयल इंडियन नेवी इन बॉम्बे एंड अदर सिटीज इन द स्प्रिंग ऑफ 1946। तो दोस्तों 1946 में आते आते ये हो गया था दोस्तों कि आर्मी नेवी भी अंग्रेजों के खिलाफ हो गई थी। तब अंग्रेजों को पूरा रियलाइज हो गया कि यहाँ पे भारत में हम नहीं टिक सकते। भारत में अंग्रेज इसलिए टिके हुए थे दोस्तों क्योंकि पुलिस, आर्मी, ब्यूरोक्रेसी सब उनके साथ थे। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे रॉयल इंडियन नेवी 1946 में आते आते उनके अगेंस्ट हो गई थी। थ्रू द लेट 1940s देयर वर पीरियोडिक इफ स्कैटर्ड मास प्रोटेस्ट ऑफ वर्कर्स एंड पीजेंट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये सब भी चल रहा था, बड़ा ही मतलब वर्ड यूज किया ना, टुमल्टस टाइम, ये सब हो रहा है दोस्तों, है ना, 1940 ऐसे टाइम था। वन स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ दिस पॉपुलर अपसर्जेस वाज द डिग्री ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी दे मैनिफेस्टेड। तो रॉयल इंडियन नेवी जो था उसमें हिंदू मुसलमान साथ साथ थे, लड़बड़ नहीं रहते, क्योंकि ये तो एजुकेटेड लोग थे, एजुकेटेड लोग नहीं लड़ते। जब भी दंगे मंगे हो रहे हैं, जब एक दूसरे की कम्युनिटी की कोई बुराई कर रहा है, तो वो पढ़ा लिखा नहीं है, साफ सी बात है ना। तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन सब चीजों में हमें काफी दिखी थी, जैसे सुभाष चंद्र बोस, बिल्कुल यूनिटी। आप सोल्जर्स के नाम देखेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख, तीनों के तीनों को ये रेड फोर्ट में पकड़ लिया था, केस चल रहा था, फिर तीनों के तीनों को छोड़ना पड़ा, ठीक है। उन तीन के नाम नाम क्या है ये अगर किसी को पता है तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इंडियन नेशनल आर्मी, उसके INA के तीन मेंबर्स, एक थे हिंदू, एक थे मुस्लिम, एक थे सिख, और तीनों के खिलाफ केस चल रहा था और उनको छोड़ना पड़ा था अंग्रेजों को, किसी को फांसी नहीं दे पाए, ठीक है। लेकिन पहले तो फांसी दे देते, सुबह शहीद भगत सिंह को फांसी दी, है ना, कितने सारे लोगों को फांसी दी, लेकिन इस टाइम फांसी नहीं दे पाए अंग्रेज। 1857 में कितने लोगों को फांसी दी थी, अब तो नहीं दे पाए। तो आपको देखिएगा इन सब चीजों में हिंदू मुस्लिम यूनिटी बहुत थी, क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, रॉयल इंडियन नेवी रेटिंग्स की अपसर्च हो गई, या सुभाष चंद्र बोस का हो गया, सब में आपको हिंदू मुस्लिम यूनिटी काफी दिखेगी। इन कॉन्ट्रास्ट द टू लीडिंग इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग हैड रिपीटेडली फेल्ड टू अराइव एट अ सेटलमेंट दैट वुड ब्रिंग अबाउट रिलीजियस रिकंसिलेशन एंड सोशल हार्मनी। तो पॉलिटिक्स दोस्तों यहाँ पे आई थिंक जैसा हमने देखा बीच में आ गई हिंदू मुस्लिम यूनिटी के, और वही रीजन बना भारत पाकिस्तान के डिवाइड होने का। पॉलिटिक्स आ जाती है वहाँ मामला खराब हो जाता है, ठीक है। पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है जो ना हो तो भी प्रॉब्लम, हो तो भी प्रॉब्लम, ऐसी चीज है। ये भी नहीं कह सकते कि पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए थी, लीडर्स ही नहीं तो फिर आप कैसे लीड करोगे, बताओ, है ना, तो वो प्रॉब्लम भी रहती है। तो इसलिए काफी कंट्रीज सिंगल पार्टी फॉलो करते हैं, जैसे USSR, रशिया, है ना, काफी और भी कंट्रीज है। उसके बाद दोस्तों ग्रेट कैलकटा किलिंग्स ऑफ अगस्त 1946 बिगेन अ ईयर ऑफ ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस राइटिंग अक्रॉस नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न इंडिया।
हमने देखा है कलकत्ता में, एक तो दोस्तों इस टाइम में बंगाल फेमाइन आया था, बहुत लोग मरे थे बहुत, ठीक है, ड्यू टू अंग्रेजों की पॉलिसीज की वजह से, साथ साथ में दंगे हो रहे हैं, सब कुछ ही बुरा बुरा है ना। द वायलेंस कल्मिनेटेड इन द मैसेकर्स दैट अकम्पनाइड द ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन व्हेन द पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज अनाउंस्ड। तो मैसेकर हुआ, मरे भर चढ़ के लोग। तो दोस्तों ये सब हमारा वो है बैकग्राउंड, कि ये सब दिमाग में है लोगों के जब वो कंस्टिट्यूएंट असेंबली में बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको दिखेगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काफी ऐसे फीचर दिखेंगे जो इन सब चीजों को रोकने की तरफ वर्क कर रहे हैं, जैसे यूनिटी पे बहुत फोकस है, स्टेट्स की पावर जो है वो लिमिटेड है, सेंटर की पावर बहुत ज्यादा है, ठीक है, ये सब आपको दिखेगा। रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए काफी प्रोटेक्शन है, सब लोग बोलते रहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो अपीसमेंट है, ये है वो है, क्यों है, क्योंकि समय ऐसा था और वहां के लोग समझते थे कि अगर माइनॉरिटीज को हमने प्रोटेक्शन नहीं दी तो यहाँ देश में रहना मुश्किल हो जाएगा उनका। ऐसे ही वुमेन को बहुत प्रोटेक्शन है, ऐसे शेड्यूल कास्ट को बहुत प्रोटेक्शन है, शेड्यूल ट्राइब को भी, राइट। ऑन इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 1947 देयर वॉज एन आउटबर्स्ट ऑफ जॉय एंड होप अनफॉरगेटेबल फॉर दोस हु लिव्ड थ्रू दैट टाइम। ठीक है, खुश हो गए थे लोग, बट इननुमेरेबल मुस्लिम्स इन इंडिया एंड हिंदू सिख्स इन पाकिस्तान वर नाउ फेस्ड विद अ क्रूअल चॉइस, थ्रेट ऑफ सडन डेथ और स्क्वीजिंग ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑन वन साइड एंड अ फोर्सिबल टेयरिंग अवे फ्रॉम देयर एज ओल्ड रूट्स ऑन द अदर हैंड। ठीक है, तो या तो मर जाओ या अपॉर्चुनिटी छोड़ के जाओ, पूरी प्रॉपर्टी जो इतने सालों में बनाई है सब छोड़ के जाओ, ऐसी अपॉर्चुनिटी आ गई थी, समझ सकते हो। अब मैं अच्छे से डिस्कस किया पिछले चैप्टर में, मिलियंस ऑफ रिफ्यूजीज वर ऑन द मूव, मुस्लिम्स इन टू ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान, हिंदूज एंड सिख्स इन टू वेस्ट बंगाल एंड द ईस्टर्न हाफ ऑफ द पंजाब, मैनी पेरिस्ट बिफोर दे रीच देयर डेस्टिनेशन। वैसे लोगों के लिए इंडिपेंडेंस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी। अनदर एंड द स्कार्सली लेस सीरियस प्रॉब्लम फेस्ड बाय द न्यू नेशन वॉज दैट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। तो भारत भारत का आपको दिखेगा यहाँ पे दोस्तों कि 1/3 एरिया जो है वो प्रिंसली स्टेट्स के अंदर था। मैं अच्छे से समझा चुका हूँ प्रिंसली स्टेट्स क्या है, जैसे कश्मीर, जैसे हैदराबाद, जैसे त्रावणकोर, ऐसे बहुत ज्यादा थी, 500 से ज्यादा भारत में थी, ठीक है। उन सबको मर्ज करना भारत में एक टीडियस टास्क था, और इस टास्क को बड़े अच्छे तरीके से निभाया था किसने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और भारत में सब मर्ज हुई थी। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द राज अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ द एरिया ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ नवाब एंड महाराजाज। तो आप बोलोगे क्या थे, कौन थे नवाब महाराजा, तो आप कह सकते हो कि वो अपना रूल करते थे उन जगह पे, जैसे कश्मीर में वो अपना रूल चलाते थे, ठीक है, हरी सिंह जो थे, लेकिन ऊपर से अंग्रेजों का ही जोर रहता था, मतलब अंग्रेज अगर कुछ कहेंगे तो उन्हें करना पड़ेगा, लेकिन आप कह सकते हो वो इंडिपेंडेंट थे, तो इस तरीके से वो प्रोविंसेस से अलग थे। तो दो चीजें मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, बहुत बार मैंने बताया ये, क्योंकि आई होप मैंने पिक्चर अच्छे से क्लियर कर दी होगी। अभी भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ राज अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ द एरिया ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ नवाब एंड महाराज हु ओन्ड एलिजियंस टू ब्रिटिश क्राउन बट वर अदरवाइज लेफ्ट मोस्टली फ्री टू रूल और मिस रूल। इंटरेस्टिंग वर्ड देख रहे हो, मिस रूल, काफी जगह तो मिस रूल ही था दोस्तों इनका, है ना, नवाब महाराजा बस मजे में रहते थे, अय्याशी टाइप थोड़ी, देयर टेरिटरी एज दे विश्ड, जैसे करना है वैसे रूल करो, ठीक है। लेकिन यहाँ एक और वर्ड जो मैंने समझाया, हु ओन्ड एलिजियंस टू ब्रिटिश क्राउन, सीधे ब्रिटिश क्राउन, ठीक है, मतलब वायसराय नहीं, सीधे ब्रिटिश क्राउन की उनके एजेंट्स आप कह सकते हो, ब्रिटिश की जो रानी है उनकी, ठीक है। व्हेन ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस ऑफ दीज प्रिंसेस रिमेन्ड एम्बिगुअस, एम्बिगुअस मतलब क्लियर नहीं है। तो ये राजा महाराजा नवाब खुश हो गए कि बोलते हमारा तो अपना देश होगा, ठीक है, उन्होंने अपनी हथेली पे चांद के सपने देखने लग गए, है ना। लेकिन इन सब के सपने जल्दी से खत्म करे पटेल, नेहरू, है ना, उन्होंने, और लोगों ने भी, वहां के जो लोग थे स्टेट्स के, वो समझते थे कि हमें नहीं रहना भाई इन लोगों के साथ, हमें तो डेमोक्रेसी चाहिए, हमें भारत के साथ रहना है, हमें महात्मा गांधी के साथ रहना है, क्लियर था, ठीक है। महात्मा गांधी का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पहुंच चुका था इन सब प्रिंसली स्टेट्स में, राइट। एज वन कंटेम्पररी ऑब्जर्वर रिमार्क्ड सम महाराजाज नाउ बिगेन टू लग्जूरिएट इन वाइल्ड ड्रीम्स ऑफ इंडिपेंडेंट पावर इन एन इंडिया ऑफ मेनी पार्टीशंस।
जो मैंने अभी बताया, हथेली पे चांद कि भैया हमारा अपना देश होगा, है ना, यूनाइटेड नेशंस में पहुंचेंगे, ये वो बड़ी बड़ी बातें सोचने लग गए। दिस वॉज द बैकग्राउंड। अब ये बैकग्राउंड है दोस्तों, ये सब सिचुएशन है दोस्तों हमारी। दिस वॉज द बैकग्राउंड इन विच द कंस्टिट्यूएंट असेंबली मेट 1946 में, मिली पहली बार, 1949 तक मिलती रही। हाउ कुड द डिबेट्स विद इन द असेंबली रिमेन इंसुलेटेड फ्रॉम व्हाट वाज हैपनिंग आउटसाइड। तो दोस्तों ये सब बाहर चल रहा था, इसलिए आपको दिखेगा कि हमारे डिबेट्स को काफी इम्पेक्ट करेगा। ये देखो नेहरू स्पीच दे रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, ये 15 अगस्त के टाइम की है, पढ़ लेते हैं इसको, क्योंकि ये आपको रटी होनी चाहिए, स्टूडेंट को तो रटी होनी चाहिए। तो जवाहरलाल नेहरू स्पीकिंग इन द कंस्टिट्यूएंट असेंबली एट मिडनाइट ऑन 14 अगस्त 1947। इट वॉज ऑन दिस डे दैट नेहरू गेव हिज फेमस स्पीच दैट बिगेन विद फॉलोइंग लाइंस। तो काफी पढ़े लिखे थे, अंग्रेजी पे काफी अच्छा कंट्रोल था, राइट, थोड़ा बहुत अभी ये लॉयर वॉयर टाइप के लोगों का, और वो आपको दिखेगा वर्ड्स में, होना भी चाहिए। तो नेहरू की एक चीज अच्छी यही है कि जब वो किसी भी बड़े नेता से मिलते थे, लेट से यूएसए के प्रेसिडेंट से, वो कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि इंडिया एक वीक नेशन है। तो ये नेहरू की एक स्ट्रांग इमेज, स्ट्रांग बिल्ड भी थी उनकी। तो लॉन्ग ईयर्स अगो वी मेड अ ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी, ठीक है, ऐसी स्पीच वैसे भारतीयों को कहाँ समझ में आती होगी, अब समझना मुश्किल है, बट तब तो काफी कम लिटरेसी रेट था, बट एनीवेज वेरी गुड स्पीच, एंड आज हम काफी खुश होते हैं इसको देख के। लॉन्ग ईयर्स अगो वी मेड अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी एंड नाउ द टाइम कम्स व्हेन वी शैल रिडीम आवर प्लेज। तो 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू ने भारत का झंडा फहराया था, जब वो पहली बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे उसी टाइम में, लाहौर में, लाहौर डिक्लेरेशन, राइट, वहां पे क्लैरिफाई कर दिया था कांग्रेस ने कि हमारा गोल है कंप्लीट इंडिपेंडेंस, राइट। तो और अब चल रहा है 1947, तो लॉन्ग ईयर्स अगो। वैसे तो लॉन्ग ईयर्स में आप कितना भी लॉन्ग जा सकते हैं कि सपना तो भारत कब से देख रहा था आजाद होने का, लेकिन यहाँ पे आप क्लियरली हो गया था 26 जनवरी 1930 को। लॉन्ग ईयर्स अगो वी मेड अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी एंड नाउ द टाइम कम्स व्हेन वी शैल रिडीम आवर प्लेज, नॉट होली और इन फुल मेजर बट वेरी सब्सटेंशियली। नॉट होली और इन फुल मेजर मतलब पार्टीशन तो हुआ है बट वेरी सब्सटेंशियल, स्टिल वी आर वेरी स्ट्रांग, है ना। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिड नाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। तो वैसे जब इंडिया में मिडनाइट होती है तो यूएसए में तो वैसे दिन हो रहा होता है, और इंग्लैंड में भी 5.5 घंटे पीछे इंग्लैंड, तो वहां पे भी शाम हो रही होती है, तो वो सो तो नहीं रहे होंगे जब भारत आजाद हुआ। लेकिन कहने का मतलब ये दोस्तों कि मिडनाइट आवर जब हो रहा होता है तब लोग सोते हैं, ठीक है, मिडनाइट आवर में कहीं पे भी जब भी हो तब तो लोग सोते हैं, लेकिन उस टाइम इंडिया में, इंडिया जागा, लाइफ आई उसमें और फ्रीडम ली, ठीक है। तो काफी स्ट्रॉन्ग स्पीच, रट लो और मौका मिले छाप दो अपने पेपर में, ठीक है, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड्स। लॉन्ग ईयर्स अगो वी मेड अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी एंड नाउ द टाइम, ता भी द भी लिखा होना चाहिए, कॉमा वगैरह बिल्कुल कॉपी पेस्ट करके लिख लो, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे कंस्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स। थैंक यू एंड टेक केयर। कंफ्यूजिंग है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रोविंसेस, 11 प्रोविंसेस थे भारत में, कौन कौन से 11 प्रोविंसेस थे कमेंट सेक्शन में लिखो। एग्जाम्पल जैसे मद्रास, जैसे पंजाब, जैसे बॉम्बे, कहीं मैं ही 12 11 नहीं लिख दूं, बाकी आप लिखो। प्रिंसली स्टेट्स क्या है? प्रिंसली स्टेट जैसे कश्मीर, ठीक है दोस्तों, और एग्जाम्पल हैदराबाद है। अब मैं सारे लिखवाने को आपसे नहीं बोलूंगा क्योंकि ये तो 500 से ज्यादा है, आपको अपनी स्टेट्स के पता होने चाहिए। तो ये 1/3 एरिया में थे दोस्तों, यहाँ पे महाराज, महाराजा और नवाब रूल किया करते थे, महाराज नवाब या राजा टाइप के लोग, है ना, जैसे निजाम हैदराबाद में, है ना, ये रूल किया करते थे डायरेक्ट। तो ब्रिटिशर्स डायरेक्टली यहाँ पे नहीं थे, ब्रिटिशर्स लेकिन यहाँ डायरेक्टली थे, प्रोविंसेस में डायरेक्टली थे, ठीक है। ब्रिटिशर्स मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, ब्रिटिश मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो रूल चलाते थे यहाँ पे, तो डायरेक्टली नहीं थे, तो
तो यहाँ डायरेक्टली आप कह सकते हो थे, और यहाँ डायरेक्टली नहीं थे तो इनडायरेक्ट थे। इनडायरेक्ट से कहने का मतलब क्या है, अगर कुछ बोलेंगे ब्रिटिशर्स कि कश्मीर में ये होना चाहिए तो वो होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स का चल रहा है और यहाँ पे कोई भी इलेक्शंस नहीं हुए थे, ये क्लियर रखो। तो जो भी एक्ट वगैरह आए थे ना तो जो हमने इलेक्शंस दोस्तों पढ़े थे 1937 में, हमने इलेक्शन पढ़े 1946 में, ये इलेक्शन प्रोविंसेस के हुए थे, प्रोविंसेस के इलेक्शन हुए थे दोस्तों, ठीक है, जहाँ कांग्रेस ने 11 में से 7 जगह सरकार बनाई थी। प्रिंसली स्टेट्स में कोई इलेक्शन नहीं होते थे क्योंकि वह राजा महाराजा थे, वो अपना रूल चलाते थे। तो इन राजा महाराजाओं को इंडिया में मर्ज करना एक टीडियस टास्क था।